वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और अच्छे हम तब होते हैं जब हम कंफर्टेबल होते हैं, और कंफर्टेबल हम कब होते हैं? जब हम ऐसे वाले कपड़े नहीं पहनते। I mean, जब हम क्लोथिंग अच्छी वियर करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बट क्या हम कंफर्टेबल वाकई ये अपर बॉडी पार्ट से होते हैं, या फिर जो हमारे कपड़े ऊपर के लिए होते हैं, या फिर बॉटम वियर, या जो कपड़े हम बाहर की तरफ से पहनते हैं वो? नो, जो कपड़े हम इनर वियर में वियर करते हैं अगर उनकी फिटिंग अच्छी है, वो अगर हमें कंफर्ट दे रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो ही जो है हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और अंदर से हम कंफर्टेबल रहते हैं। अदरवाइज नहीं तो आपने बहुत सारे मीम्स देखे ही होंगे, ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की इस चीज में जरूरत है नहीं कि कौन कौन सी सिचुएशन हमें देखनी पड़ती है, मेंस में, वेमेंस में, या कभी भी कहीं पे भी, बहुत सारी टाइम्स दिख जाती हैं। तो यहाँ पे ज्यादा वो बातें नहीं करते, मैं आपको बताती हूँ। जस्ट आई वॉन्ट टॉक टू अबाउट अ ब्रा। आज मैं आपको लेके आई हूँ एक, ये स्पोर्ट्स ब्रा है फॉर बाई एनामोर। दिस इज द ब्रा। तो ये एनामोर की तरफ से एक ब्रा है जो कि क्रॉस बॉडी में मैंने इस टाइम पे की हुई है, और ये मैं मोस्टली वेयर करती हूँ अपने जिम टाइम में। जिम टाइम में एक्चुअली बहुत ज्यादा ऐसा टाइम आता है हमारा कि कई बार जो होता है निपल शो होने लगते हैं, या अगर हम नॉर्मल वेयर करें, नॉर्मल वेयर वाली ब्रा यूज करते हैं, या अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं कुछ इस टाइप का। और ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करी जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम हैवी बस्टी, एंड हैवी बस्टी के साथ ही प्रॉब्लम होती है कि वो पैडेड वाली अगर वेयर करते हैं तो उनको जो होगा उनका बूस्ट साइज और ज्यादा बिगर लगता है, जस्ट लाइक मी। मेरे साथ ये बहुत होता है इसलिए मैं बिल्कुल नहीं। बट अगर बात करूं इसके पैड की, द पैड इज वेरी सॉफ्ट और बहुत ही थिन है, बट इसमें एक चीज ये अच्छी है कि इसमें निपल शोइंग की प्रॉब्लम नहीं है, जिसलिए मैंने ये ब्रा ली है। और इसमें मैंने अपना 1000 रुपए उड़ा दिए, तो मैंने जो है वो सिर्फ इस वजह से लिया है। अगर मैं आपको इसका कप दिखाऊं तो कप इज वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और मेन मेरा कंसर्न इसका यही रहता है कि अगर ये ब्रा आप लें तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो बात करूंगी सबसे पहले जो हमारा साइड जो फैट है वो हमें होता है, या अगर आप हैवी बस्ती हैं या जिम के लिए तो हमें पूरा इंपैक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको साइड में एक बहुत अच्छा वेस्टबैंड मिल जाता है। इसकी स्ट्रैप्स बहुत ज्यादा मोटी हैं और प्लस आपको चुभने वाली बिल्कुल नहीं है। और जो इसका ये लोअर पार्ट है वो आपको जस्ट आपके अंडर द बस्ट आएगा, तो अच्छे से कंप्लीट कर देगा। कई बार ऐसा हो जाता था मेरे साथ कि मेरा जो एक बूब था वो साइज डिफरेंस की वजह से कभी कहीं नीचे से निकल रहा है, या साइड बल्जेस की वजह से, तो इसमें फिलहाल ये चीज की प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा, पीछे से आप इसको क्रॉस टाइप में भी यूज कर सकते हैं। हुक इसके 3 हैं और काफी वाइड है, तो ये आपको पीछे से भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं एक ब्रा को तो आप इसमें देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर हमने अब अपर बॉडी की बात कर ली तो हम लोअर बॉडी को कैसे भूल जाए? तो लोअर बॉडी में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी एक ब्रांड से जो कि है कियारो। कियारो जो है मुझे काफी पसंद आने लगा है कुछ टाइम से, क्योंकि मैंने इसको कुछ टाइम से यूज किया और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना ये भी चीज, अब अगर अपर की बात की तो बॉटम को कैसे भूल जाए, तो मैंने कहा क्यों ना ये चीज भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है कियारो से 3 अपने जो है बॉटम वियर मंगाए हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। द फर्स्ट वन इज हिपस्टर। हिपस्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके जो नॉर्मल वियर हो गए, या आपने जो ऐसी इस टाइप की लेगिंग वगैरह वियर की जिसमें पैंटी लाइन शो होने का रहता है, तो आप हिपस्टर वियर करें तो ये आपके पूरे जो है पूरा आपका बट एरिया कवर करके रखता है, तो जो कि कोई भी बहुत एक्स्ट्रा लाइन जो कि बीच में शो होती है वो शो नहीं होती है। एंड द इलास्टिक बैंड इज द कियारो नेम, कियारो, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है। ये देखिए लिटरली मेरी जान निकल रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचिंग वाइज बहुत अच्छा है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो मेरा साइज है L, एंड अगर मैं बात करूं तो ये जो है टेंसिल फैब्रिक है। टेंसिल फैब्रिक इज अ वेरी 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 कंफर्टेबल फैब्रिक देन कॉटन, क्योंकि अभी तक हमें कॉटन की ही बताया गया है, बट टेंसिल इज अ वेरी गुड फैब्रिक। तो इसमें टेंसिल A100 यूज हुआ है जो कि वेरी गुड है। तो इसका एक्सपोजर आप एक बार देख लीजिए। लाइट कलर मैंने इस बार मंगाया है क्योंकि कई बार क्या होता है, मतलब कुछ जो हमारे लाइक कपड़े होते हैं थोड़े से लाइट वेयर होते हैं, तो फिर हमें उसमें से जो होता है अंडर गार्मेंट शो ना हो, तो एक ये मैंने मंगाया है हिपस्टर। एंड मैंने यहाँ पे मंगाई है 2 बिकनी, तो बिकनी पैंटीज मंगाई है मैंने यहाँ पे जो कि मेरे नॉर्मल डेली वेयर के लिए है। तो सेम अगर इसकी बात भी करूं तो ये दोनों, एक मैंने लाइट कलर मंगाई एक डार्क में, तो आप इलास्टिक अगर देखें, इलास्टिक इज वेरी वेरी स्ट्रेचेबल एंड द
फैब्रिक इज वेरी कंफर्टेबल जो कि एंटी बैक्टीरियल भी है, तो आपको पूरा दिन जो है वो कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक रखने वाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और अगर आप चाहें तो इनकी कियारो की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग ऑफर मिलने वाले हैं जिससे कि आप अपने लिए एक बेस्ट इनरवेयर चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके इनरवेयर आपको कंफर्ट देंगे ना तो ही आप ऊपर से कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो कियारो जरूर ट्राई करो एक बार मेरे कहने से, और अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं इसके लिंक जो हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि जहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। एंड द प्राइस वॉज ऑल्सो सो अफोर्डेबल, तो जो हम डेली मार्केट में परचेस करते हैं ना तो कुछ लाइक उसी तरीके के हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन और परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार कियारो जाओ और घर बैठे इनर वेयर मंगाओ। तो दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट कियारो एंड अबाउट माई ब्रा। तो जाइए, अगर आप साइज के हैं, अगर आप मेरी बॉडी टाइप के हैं तो आपको एल साइज बहुत अच्छा ही रहेगा। और इसमें है मेरा एक्सेल जो कि मुझे थोड़ा सा लूज फिट होने लगा है, आई थिंक जो है ब्रेस्ट साइज जो है डिक्रीज हो रहा है इस वजह से। तो अगर आप मेरे ब्रेस्ट साइज के हैं और आप डिक्रीज कर रहे हैं तो आप एल भी प्रेफर कर सकते हैं, बोथ आर गुड। ओके, दैट्स ऑल गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट कियारो एंड अबाउट एनामोर। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, एंड दोनों को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने अमेजोन से परचेज की थी 1000 रुपीज की, एंड ये मैंने इनकी ही साइट से परचेज की है, तो आप दोनों को जाके चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस, ओके, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।